नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे टेक्नो शौनक चैनल। मेरा नाम है शौनक चक्रवर्ती और आज मैं बहुत सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि आपको जो है नॉलेज पैनल जो है खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, खरीदने के क्या जो है डिसएडवांटेजेस क्या है, खरीदने से क्या आपको नुकसान हो सकता है, उस बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। तो देखते रहिए वीडियो। तो दोस्तों, नॉलेज पैनल्स जो है वो बिल्कुल मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज जो है मतलब नॉलेज पैनल को बेच रही है। मेरे बहुत एक महीने में, दो महीने में, पिछले कई महीनों में कई ऐसे लोग मेरे से कांटेक्ट किए हैं जिन्होंने मुझे ये कहा है कि नॉलेज पैनल मुझे ये वाला कंपनी इतने में दे रहा है, वो वाला कंपनी उतने में दे रहा है। कुछ कुछ लोगों ने कहा है कि नॉलेज पैनल 20,000 में मिल रहा है, 25,000 में मिल रहा है। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि जो चीज फ्री है उस चीज के लिए आप पैसे क्यों दे रहे हो। सबसे पहली बात तो ये, जैसे कि ये हवा है, ये एयर है, ये ऑक्सीजन है, ये पूरे मतलब एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है। अगर कोई एयर के लिए मतलब आपसे पैसे मांगे तो वो एकदम डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, मतलब उस टाइप का ही बात है ये। और नॉलेज पैनल, और सबसे मतलब बड़ी बात यह है कि लोग जो है नॉलेज पैनल के लिए पागल है। जी हाँ, नॉलेज पैनल के दीवाने हुए जा रहे हैं, नॉलेज पैनल के लिए पागल है। इसीलिए ऐसे कंपनीज को जो है मौका मिल जाता है अपने रेट को बढ़ाने में, क्योंकि वो लोग जब देखते हैं कि लोगों का डिमांड इतना बढ़ रहा है नॉलेज पैनल के प्रति, तो इसीलिए वो लोग डिमांड मतलब इतना जो है फीस जो है अपना जो पैसा है इतना रेट अपना हाई कर देते हैं और लोग वो पैसे चुका भी देते हैं। लेकिन इसका अभी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आप कुछ भी इलीगल तरीके से नॉलेज पैनल खरीदोगे या ऐसा कुछ करोगे तो गूगल को उस वक्त शायद पता नहीं भी चले, लेकिन 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 जैसे ही आप नॉलेज पैनल को जैसे ही आप क्लेम करोगे, क्लेम दिस नॉलेज पैनल पर जाकर आप क्लेम करते हो, फॉर्म भरते हो, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गूगल के पास ही रिक्वेस्ट जाता है। गूगल चेक करता है किसका नॉलेज पैनल है, कहां से आया, क्या पर्सन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका क्या क्या है, पूरा हिस्ट्री चेक करता है, पूरा नेट चेक करता है, उसके बाद उसको वेरीफाई करता है। तो जब गूगल चेक करेगा कि ये तो किसी नॉन डिजर्विंग पर्सन का नॉलेज पैनल है और ये जो है ये तो मतलब ये कहां से बनाया कुछ पता नहीं, ये गूगल का सोर्स तो बनाया हुआ नहीं है, ये इलीगल तरीके से बनाया हुआ है, गूगल आपके नॉलेज पैनल को आपको रिमूव कर देगा, आपका नॉलेज पैनल डिलीट कर देगा। जी हाँ, और ये मैं मतलब 100% बोल रहा हूं। पिछले एक दो महीने में मेरे पास कई ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि नॉलेज पैनल मैंने इतना पैसा देके बनाया लेकिन अब मेरा पैसा वेस्ट हो गया है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप एक बार मेरे पास आ जाते, अगर मैं से पूछते कि इतना पैसे मांग रहा है मैं दू या ना दू, आपने बिना सोचे समझे आंख बंद करके दे दी। लेकिन हाँ, और एक बात यह है कि ये जो नॉलेज पैनल बेचते हैं, जो सेल करते हैं, उनमें से कई लोग जो है वो मतलब ठीक होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो फ्रॉड स्टार्स होते हैं। 90% लोग जो है वो फ्रॉड स्टार्स होते हैं। और गूगल ने भी ये साफ कर दिया है, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि नॉलेज पैनल को जो है खरीदना या बेचना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ पीछे के लोग जो अंदर के लोग हैं, वो अंदर ही अंदर जो काम, वो हर जगह आजकल करप्शन हर जगह पे है, तो वो लोग जो है करप्ट करते हैं, करप्शन करते हैं, और वो जो है अंदर ही अंदर जो है उनका काम सेटिंग चलता रहता है। इस वजह से जो है नॉलेज पैनल बनता है। लेकिन अगर आप लीगल प्रोसेस से करोगे तो नॉलेज पैनल का आजकल के जो स्ट्रिक्ट रूल्स, बहुत रूल जो है वो स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब रिसेंटली मुझे किसी ने कहा कि मैंने नॉलेज पैनल तो नहीं बनाया, नॉलेज पैनल बनाने के लिए मैंने कई हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, कई बड़े बड़े पेपर्स में जो है अपने जो आर्टिकल है उनके ऑनलाइन पोर्टल में पब्लिश कराया है और मैंने उसके लिए 50,000 रुपीज, जी हाँ 50,000 रुपीज पे किया है। लेकिन अब मेरा पूरा पैसा बेकार हो गया, ना मुझे ब्लू बैच मिला इंस्टाग्राम में, ना मुझे नॉलेज पैनल मिला, ना मुझे कुछ मिला। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप ब्लू बैच के लिए भी अप्लाई करते हो तो वो लोग सबसे पहले आपका ये देखेंगे कहाँ कहाँ आपका पब्लिश है। वो तो एक है, वो एक फैक्टर है कि आपका कहाँ कहाँ आर्टिकल पब्लिश है, कहाँ कहाँ आप मतलब कितने वो हो, कितने बड़े मतलब कितना नोटेबल पर्सन हो या ऐसा कुछ, वो लोग तो वो देखते ही है, वो तो प्राइमरी फैक्टर है। अब सेकेंडरी फैक्टर ये है कि वो लोग चेक करते हैं कि हाँ भाई ये कोई ओरिजिनल बंदा है, इसके बारे में और कहीं है जो कि इंडिपेंडेंट सोर्स है इसके बारे में कि नहीं है, ये कोई ओरिजिनल बंदा है कि नहीं है। उसके बाद वो लोग जो है देखते हैं, अप्रूव करते हैं। सिर्फ आपने बड़े बड़े न्यूज पेपर्स में, न्यूज चैनल्स पे जो है आपने अपना आर्टिकल दे दिया, अपने अपना न्यूज पब्लिश करा दिया, इतने पैसे देके उतने पैसे देके, तो वो लोग नहीं करते हैं। जी हाँ, इंडिया के ऐसे कई बड़े बड़े बिजनेसमैन है जिनका विकिपीडिया पेज डिलीट हो गया सिर्फ इस वजह से कि वो लोग जो है उन लोगों के पास बहुत पैसा है, वो लोग मतलब आराम से लाख लाख रुपया खर्च करके बड़े बड़े न्यूज पेपर्स में, न्यूज चैनल पे अपना आर्टिकल, अपना जो है न्यूज पब्लिश करा सकते हैं। लेकिन
इधर प्रॉब्लम ये आती है कि वो लोग उन लोगों का क्या है, ये सारा कुछ बाइड है और विकिपीडिया भी बाइड आर्टिकल पे जो है अपना पेज नहीं बनाता, अपना आर्टिकल नहीं बनाता, बाइड आर्टिकल सिंपली अगर आप कुछ भी ऐसे नॉलेज पढ़ने के लिए वेरीफाइड बच के लिए कुछ भी अपना जो है आर्टिकल के लिए पैसा देते हो, बड़े बड़े अपने पैसे खर्च करते हो बड़े बड़े पेपर्स पे, तो ये आपका पैसा बिल्कुल वेस्ट जाने वाला है। मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जो है ये जो है पैसा मत दिया करो। और ये गूगल नॉलेज फलन की वजह से भी, ये नॉलेज फलन के पीछे लोग इतने दीवाने हैं, इतने वो है कि मतलब उस उनकी वजह से ये जो इतने कंपनीज है इन लोगों को इतना मौका मिल जाता है और ये लोग इतने हाई रेट पे बेचते हैं। मैं इसी चीज को खत्म करने के लिए मैं फ्री में आपको सारा ज्ञान देता हूं, फ्री में आपके लिए करता हूं इसी चीज को खत्म करने के लिए, ताकि ये जो है कंपनीज को, ऐसे कंपनीज को बढ़ावा ना मिले और ये कंपनी जो है अपने आप डाउन जाके, अपने आप डाउन होकर ये लोग खत्म हो जाए। क्योंकि भाई ये जो पैसा है ये मेहनत का पैसा है, ये कोई फ्री में आप चोरी चकारी करते तो लाते नहीं हो, ये आपका मेहनत का है। तो इस वजह से आप मेहनत के पैसे इस मतलब ऐसे डुबा रहे हो, ऐसे खर्च कर रहे हो, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इसीलिए मैं आपको फ्री में जितना ज्ञान हो सके, मेरे पास जितना ज्ञान है मैं आपको फ्री में इसीलिए देता हूं ताकि ऐसे कंपनी जो है आगे नहीं बढ़ सके, उनका ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाए, है ना। और अगर आप डिजर्विंग पर्सन नहीं हो तो आप भाई मेहनत करो, हार्डवर्क करो, कर्म करो। सिर्फ एक ही ये जो है रामबाण है, ये है कर्म। कर्म करने से ही उसका फल मिलेगा। आप हार्डवर्क करो, परिश्रम करो, आप कर्म करो, मतलब ये पैसा खर्च करके और ये जो इनडायरेक्ट वेज है ऐसे करके आप अगर नॉलेज प्लान लोगे तो ये मतलब आपको भी एक मन में सुकून नहीं मिलेगा। आपको दिल से सुकून तभी मिलेगा जब आप कर्म करोगे, आप एक मेहनत करके कुछ फल कमाओगे, मेहनत के बाद आपका नॉलेज प्लान आएगा तो वो देख के आपको सुकून मिलेगा, बजाय इसके कि आप पैसा देखे और ये ब्लैकमेलिंग ब्लैक वे से आप ऐसे करो। तो मैं आशा करूंगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। और मैं आपको आखिरी बार बता देता हूँ, एक और बार बता देता हूँ कि नॉलेज पैनल जो है खरीदना इलीगल है और ये जो है गूगल को पता लग गया, जैसे ही पता लगा गूगल आपको डिलीट कर देगा तो आपका पैसे भी सारे वेस्ट हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम, सबको संभाल के रखिए। अपने आस पड़ोस वालों को भी बोलिए कि घर से बाहर ना निकले, जो बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे हैं उनको भी बोलिए, उनको समझाइए क्यों ऐसा है, क्यों, क्योंकि कुछ कुछ बूढ़े लोग और बच्चे लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो उनको बताइए कि क्यों ऐसा है और क्यों आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सीरियस मैटर है, सबको समझाइए। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।